नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। बता दें कि खबर अतरौलिया से है, जहां सोमवार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया में वैक्सीनेशन का कार्य तेज चल रहा है, जिसके क्रम में सोमवार को सुबह से यह स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने वालों की काफी भीड़ नजर आई। इसमें 18 प्लस तथा 45 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें कोविशील्ड की पहली डोज व दूसरी डोज तथा वो वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है, जिसके लिए स्वास्थ्य केंद्र पर दो टेबल बनाए गए हैं। ऑनलाइन व ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के 3 काउंटर बनाए गए हैं, जिस पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह से ही युवाओं में उत्साह देखने को मिला। रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। भीड़भाड़ को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस प्रशासन से भी मदद ली गई है। आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन का कार्य और भी तेजी से किया जाएगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। आइए सुनाते हैं कि अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने क्या कुछ कहा है। में वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और कितने लोग का वैक्सीनेशन लगाइए बताइए। देखिए 45 प्लस में 135 है और वैक्सीन में भी 50 लग गया है और 50 प्लस में भी 200 के ऊपर चल रहा है और गांव में भी हमारा 500 लोहरा में भी आयोजित है, वहाँ भी चल रहा है और अभी सेकेंड डोज की सूचना 50 डोज लग चुका था और दो वैक्सीन दी गई है 5 जगह की। आज टोटल टारगेट 1000 का है शाम तक। सर जिस तरह इतनी भीड़ आ रही है, आप लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं इतनी भीड़ को, कैसे देख रहे हैं? थोड़ा रजिस्ट्रेशन में समय लग जा रहा है, इसलिए थोड़ा भीड़ है, लेकिन इसको हम और काउंटर बढ़ाएंगे, रजिस्ट्रेशन को बढ़ाएंगे, जिससे कि भीड़ कम। अभी आपके यहाँ कितने काउंटर हैं, कितने वैक्सीनेशन सेंटर आप अपने अस्पताल में? रजिस्ट्रेशन का हमारे पास 3 काउंटर है, थोड़ा एक ही जगह पर 2 हो जाने से वहाँ भीड़ ज़्यादा आ रही है, उसको हम अलग करें। कितने लगाने के लगता है सर, एक बार बता दें आप? पर प्लग 1000 टारगेट है।